हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इसनोफिल डाइल्यूटिंग फ्लूड के बारे में, जिसको कहा जाता है डंगर्स फ्लूड या डंगर सॉल्यूशन। इसके कंपोजिशन पे हम बात करेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। लैब में अगर हमको बनाना है इसनोफिल डाइल्यूटिंग फ्लूड तो ये कैसे बनेगा। इसके कंपोजिशन में आता है चार चीज़। नंबर वन में आता है ईओसिन येल्लो, जो 0.5 ग्राम लेना है। उसके बाद दूसरा है फॉर्मलडिहाइड या फॉर्मेलिन, ये चाहिए हमको 40%, इस 40% चाहिए 0.5 ml। उसके बाद तीसरे नंबर पर है फेनॉल, जो 95% होता है, एक्वस चाहिए, ये 0.5 ml चाहिए। चौथा नंबर है डिस्टिल वाटर, ये चाहिए हमको 99 ml। इसको मीज़र करके मिक्स करने के बाद एक डार्क एम्बर बोतल में डाल देना है, मिक्स करने के बाद अच्छे से। उसके बाद रेडी टू यूज़ हो जाएगा ये। अब आते हैं इसके फंक्शन पे कि इसका, इस डाइल्यूटिंग फ्लूड का फंक्शन क्या क्या है। तो ये सबसे पहला फंक्शन होगा इसका कि ये लाइस करता है WBC को, अदर WBC को, RBC को एंड प्लेटलेट्स को। उसके बाद ये कलर करता है पिंक कलर में स्नोफिल को। अब इसका है यूज़ कि ये डाइल्यूटिंग फ्लूड बनाने के बाद इसके लैब में यूज़ क्या है। तो इसका लैब में यूज़ है कि इसका काम है एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट, यानी AEC एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूबर काउंटिंग चैम्बर पे इसको चार्ज करके देखना रहता है। इसका डाइल्यूशन बनाना है पहले, उसके बाद इसको चार्ज करना है डाइल्यूटिंग फ्लूड को, और ब्लड को मिक्स करने के बाद जो डाइल्यूशन हम लोगों का बनता है, उसके बाद काउंटिंग चैम्बर पर चार्ज करके देख सकते हैं आप।